गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। तो बच्चों 2.4 एक्सरसाइज आप कर रहे थे, उसके अंदर अपन ने दो सम कर लिए थे, ठीक है। उसी के भाव पे आगे थर्ड सम है, इसके जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। पेज नंबर 44 पर आप निकाल लीजिए एक्सरसाइज 2.4। तो आपको कहता है के की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड के कि जो एक्स माइनस वन है इज ए फैक्टर ऑफ, वो फैक्टर है किसका, पी एक्स। और पी एक्स आपको पहला पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो अगर ये इसका नाम हम जी एक्स रख लेते हैं बच्चों, जी एक्स, ठीक है। तो हमें बताना है अगर ये इसका फैक्टर है तो के निकालो। पहले हम क्या करते थे, चेक करते थे ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। पिछले दो सब में, पिछली वीडियो में आपने जो देखा बच्चों, अब हमें बताना है कि ये फैक्टर तो है, के निकालना है। तो रूल वही चलेगा, बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी एक्स को जीरो, यानी एक्स माइनस वन को जीरो। तो एक्स क्या आ गया, वन। इसको पुट करेंगे पी एक्स में, पुट इन पी एक्स, इस वैल्यू को आप पी एक्स में पुट कर देते हैं। अब जहां हमारा पी एक्स है वहां एक्स की जगह ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट की, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं वन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं आप, तो हमारे पास पी वन आ गया, वन का स्क्वायर वन प्लस के, रिजल्ट बचा 2+k। अब हम रिमाइंडर चेक करते थे, फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते थे, चेक करते थे जीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका फैक्टर है तो बोलते थे हम ऐसे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि फैक्टर है मतलब इसको फिर से जीरो पुट करना है, क्योंकि तो फैक्टर गिवन है, ठीक है। अगर आपको गिवन फैक्टर दे दिया जाए तो हमें दोनों को जीरो पुट करना है सॉल्व करके ऐसे। अब सिर्फ ये पार्ट सॉल्व होगा, 2+k प्लस का उधर जाके माइनस का बच्चों, ये आ गया हमारे के का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है 2.4 के सारे पार्ट कर रहे हैं। इसी के तरह बच्चों आप क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखो, हमने पहले फर्स्ट किया था, सेकंड देखो। अब बताना है कि अगर ये इसका फैक्टर है 2x² + kx + √2 का, तो बताओ के की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास के की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, ठीक है। तो रूल वही है कि पहले आप इसको जीरो पुट करो, जो वैल्यू आएगी उसको पी एक्स में पुट करो। अब जहां पी एक्स है वहां ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे। अब एक्स की वैल्यू है वन, वापस पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आपका क्या आएगा, 2 1 का स्क्वायर के इंटू 1 √2। तो क्या बचा, 2+k + √2। अब क्योंकि फैक्टर गिवन है तो हम लिखेंगे इसको जीरो, क्योंकि फैक्टर इज गिवन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, फैक्टर इज गिवन, कि हमें फैक्टर जो है गिवन है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से सम चेंज हो जाएगा, तो प्लस का के की वैल्यू निकालनी है, तो -2 - √2 ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो इसी तरीके से आपको आगे इसके दो पार्ट हो रहे हैं तीसरे के, वो सेम ऐसे करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 2.4 में, वो है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज जो है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझने के लिए आप पहले एग्जांपल समझिए थोड़ा सा, जैसे कि x² + 6x + 5, ये देखिए। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या करना है, इस जैसे एग्जांपल के बेस आपको सिर्फ आज ये एग्जांपल सीखना है, इसके उसके आपको मैं आपको दो सम भी करने हैं जो बुक के अंदर हैं, और कुछ एग्जांपल मैं अलग से दूंगा प्रैक्टिस के लिए बच्चों। तो आपको आज ये चीज सीखनी अच्छे से बिल्कुल। तो x² + 6x + 5 इसको फैक्टराइज करने का रूल क्या है बच्चों, ध्यान दो, आपको बीच वाले को गायब करना है यानी 6 को। तो जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो यहां लिख लो, या तो कुछ नहीं है ना, तो यहां 5 दिख रहा है, तो आप लिख लेते हैं +5। अब इस प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जो आप गायब करना चाहते हो उसके प्लस के जोड़े बनाओ। जैसे 6 के प्लस के क्या बनते हैं, 1+5, 2+4 और 3+3, बस ये बनते हैं इस 6 के प्लस के जोड़े, ठीक है। तो अब प्लस का काम हो गया कि जोड़े बना दिए इसके जो आप गायब करना चाहते हैं। अब
पांच का मतलब क्या होगा कि हमें देखना है कि इनमें से किसकी मल्टीप्लाई, हालांकि तो ऐड हो रहे थे पर मल्टीप्लाई फाइव किसकी आ रही है, तो इसकी आ रही है मल्टीप्लाई फाइव, यानी ये वो नंबर है जो ऐड होने पर सिक्स देंगे और मल्टीप्लाई में फाइव देंगे, इसी को ही फैक्टराइज करना था। आप इसके साथ एक्स लगा के यहां लिख सकते हो क्या, एक्स का स्क्वायर वन एक्स फाइव एक्स प्लस फाइव, यानी आपने सिर्फ इसी को ही सेपरेट करना है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, फैक्टराइज करने को। तो हमने इस मिडिल टर्म को ही सेपरेट करना है, ये दोनों ऐसी ऐसी पड़ी रहेंगी। अब आपके पास जो पहला है इसके अंदर क्या है, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स गुना एक्स, यानी मल्टीप्लाई, ये वन मल्टीप्लाई एक्स, इसको पढ़ा रहने को। अब इन दोनों में आप क्या देखोगे कि x कॉमन है, मतलब यहां भी x पड़ा है, ये x बाहर चला गया एक x बच गया प्लस का निशान, ये भी बाहर चला गया तो एक बच गया यहां पर, अब ये निशान हमेशा आता है। अब आप गैप देके ना इसी ब्रैकेट को दोबारा लिख दो, हमेशा हर सवाल में ऐसे करना है, गैप देके लिखना, ठीक है, पहले दो में से कॉमन निकालो फिर गैप देके लिखना, कॉमन ध्यान से रखना, यहां कोई गलती होगी तो वहां गलती जरूर होगी आपसे, तो गलती का पूरा ध्यान रखना आपको। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगी तो 5, देखो मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को तो ये बन जाएंगे। तो अब जो ब्रैकेट है वो दोनों सेम है तो आप इसको अलग कर दो और ऐसे x प्लस 5 अलग हो गया। तो ये रूल है बच्चों हमारा सोल्व करने का। बच्चों इसी तरीके से आप इसका देखो एग्जाम्पल नंबर 13 जो आपका पेज नंबर 41 पर है, 41 पे है, एग्जाम्पल नंबर 13 इसी के जैसा है, क्वेश्चन 4 के जैसा। तो हम एक ही टाइप सीख रहे हैं, फैक्टराइज करने के चार टाइप होते हैं, हम अभी एक टाइप सीख रहे हैं बच्चों, तो ये सीखने के बाद आप बाकी तीन सीख पाओगे। तो उसमें बोला गया है 6x² 17x + 5, क्या था इसके फैक्टराइज करो, तो रूल वही क्या, सप्लिटिंग मिडिल टर्म यानी बीच वाला गायब, तो 6 की 5 से मल्टीप्लाई प्लस 30। अब यहां पे दो नंबर दिख रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करने अपन ने, अब प्लस का मतलब 17 के प्लस के जोड़े बनाओ, तो 17 के जैसे 1 + 16, 2 + 15, 3 + 14, 4 + 13, 5 + 12, 6 + 11, 7 + 10, 8 + 9, यही बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं बच्चों। तो प्लस का मतलब जो गायब करना चाहते हैं उसके जोड़े बना लो, पेयर बना लो। अब चेक करो किसकी मल्टीप्लाई 30 आती है, जैसे 16 के 1 से मल्टीप्लाई ये नहीं आ रही, तो ये आ रहा है, तो ये हमारा पेयर है, यही हमारा मेन आंसर है, इसी को हमने x लगा के यहां फिल करना है। तो ये आ गया 6x² 2x + 15x + 5, तो ये है फैक्टराइज का मेन रूल करने का, ठीक है बच्चों, पहले प्लस के किए फिर 30 का ऐसे बनाना है आपको। वीडियो को बार बार देख लेना इसको ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, ठीक है, कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब आप पहले दो को पकड़ दो, बस 6 क्या होता है 3 × 2 × x − x, डॉट का मतलब जो मल्टीप्लाई होता है 2 × x, इसको मत छेड़े, इसके पेयर नहीं करने, ऐसे फैक्टराइज नहीं करने। चलिए इन दोनों में आप क्या देखोगे, 2x दोनों में है तो जो है वो कॉमन, यहां 2x था तो कौन बचा 3 और x, ये निशान ऐसे कैसे दोनों ही बार चलेंगे तो 0 नहीं लिखना, हमेशा कभी भी याद रखना 1 लिखना होता है। अगर आप कॉमन लेते हो जहां भी आप कॉमन लोगे वहां कभी 0 नहीं लिखना, सब कुछ जाने के बाद 1 आएगा, ये निशान हमेशा आएगा। अब इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख दो, लिख दिया, अब चेक करो किससे इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों बन जाए ऊपर वाले तो 5, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको आप लिख लो 3x + 1 और यहां से आ जाएगा 2x + 5, ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या हो गया आंसर। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, एक मैंने मेरी तरफ से दिया था एग्जांपल, ये आपकी बुक में है, ये आपको फेयर कॉपी में भी करना है एग्जांपल, और फैक्टराइज खुद बनाने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। हम चौथे क्वेश्चन में चार टाइप के सवाल है, हम पहला टाइप सीख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट टाइप सिखाया जो बिल्कुल सिंपल है, ये आप सीख जाओगे, इसके बाद आप अगले तीन टाइप और करेंगे। तो आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4th में सेकंड पार्ट, ये आपको स्टेटमेंट दे दी, अब हमें इसके फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज का मतलब होता है सप्लीटिंग मिडिल टर्म, तो बिल्कुल सेम वैसे ही बीच वाला गायब, दो नंबर दिख गए हैं तो 2 × 3 कर दीजिए आप, 2 × 3 तो ये आ गया प्लस का 6। अब प्लस का मतलब 7 के प्लस के पेयर बनाओ,
तो 1 प्लस 6 7 होता है, 2 प्लस 5 7 होता है, 3 प्लस 4 होता है, बस यही बनता है बच्चों, ठीक है। अब इनमें से किसकी मल्टीप्लाई ये आ रही है, 6 पहले, तो या x लगा दो, बस हमारे प्लेयर तैयार। 2x2 1x 6x + 3। अब पहले दो को आप मल्टीप्लाई में लिख दो, जैसे 2 तो 2 ही रह गया, x का स्क्वायर होता है x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई x, इसको पढ़ा रहने। अब इन दोनों में x कॉमन, एक x चला गया तो यहां 2 और x पड़े अभी, और ये चला गया तो 1 पड़े। अब इसी को दोबारा लिखने, अब चेक करो किसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की किससे मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ही बन जाए तो वो है 3, ठीक है। अब 2x + 1 ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, यहां बचा x + 3। तो ये थे बच्चों हमारे फैक्टराइज। तो बच्चों फैक्टराइज की पहली टाइप के साथ आपको जो है ये 4 सम प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, या अच्छे से नोट कर लो, ये सीखने के लिए आप ये 4 सम ये करने के बाद आप ये 4 सम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बच्चों। और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे अलग से मैसेज कर देना। थैंक यू।